जफर। ये उस शख्स का नाम है जो अतीक अहमद का सबसे ज्यादा करीबी है। जफर वही शख्स है जिसके घर पर बाबा का बुलडोजर चला। जफर वही है जिसके घर पर ही अतीक की पत्नी शाइस्ता ने उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटरों से मुलाकात की थी। हम जफर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जफर अब यूपी पुलिस की टॉप लिस्ट में आ गया है और उमेश के हत्यारों में सबसे बड़ा नाम जफर का ही सामने आया है। वो इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता जफर के ही बंगले में रह रही थी और उमेश की हत्या करने के बाद सभी शूटर इसी बंगले में शाइस्ता से मिले थे और फिर यहीं से फरार भी हो गए। वहीं इस बात की खबर जैसे ही सरकार और पुलिस को लगी तो जफर पर एक्शन भी शुरू हो गया, बल्कि बाबा का बुलडोजर सीधे जफर के घर पहुंचा और फिर जफर के बंगले के कई हिस्सों को जमींदोज भी कर डाला। लेकिन जिस वक्त प्रशासन जफर के घर के अंदर जांच के लिए पहुंचा तो अधिकारियों के होश उड़ गए क्योंकि जफर के बंगले के अंदर कुछ ऐसा सामान पुलिस को मिला जिसे रखने की इजाजत कानून तो बिल्कुल भी नहीं देता है। जी हाँ, जफर के बंगले के अंदर से पुलिस को राइफल और तलवारें भी मिली हैं। इसके साथ अतीक के पूरे परिवार की एक फोटो भी मिली है जिसमें अतीक ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेताओं के साथ दिखाई भी दे रहा है। जफर के घर से राइफल तलवार जैसे हथियार मिलने के बाद उस पर पुलिस और बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, लेकिन उमेश हत्याकांड में जिस तरीके से एक्शन हो रहा है उससे तो साफ हो गया है कि उमेश के हत्यारों का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि अब नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, JBT लाइव।